प्रभु, हर साल मेरे चारों बेटे धूमधाम से आपकी और सीता मैया की शादी करवाते हैं, लेकिन उनकी शादी की शहनाई की गूंज हमारे घर में सुनाई नहीं दी। आपने हमेशा इस दुनिया का भला चाहा है, सबको खुशियाँ दी है, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम राघव रखा है, जो आपका ही नाम है। इस साल किसी तरह हमारे बेटे राघव की शादी करवा देना प्रभु जी। जानकी, रोते नहीं, चलो। बंसी, कृष्णा, देर हो रही है, जल्दी आओ। मैं तैयार हूँ माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो साहब, हे भगवान, आधे घंटे से आईने के सामने चिपक कर खड़े हैं। सुन, राघव के लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं, ये बात मैंने तेरे पिताजी को नहीं बताई। हम मंदिर जा रहे हैं, ऐसा झूठ कहा है, तुम लोग भी यही कहना। ठीक है माँ। वो तो एक नंबर के मुँह फट है। क्या कहा? हाँ भाई, मैं तो मुँह फटी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूँ, कभी सच्चाई नहीं छुपाई। इतना सुनने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ आऊँ? अब जो करना है तुम ही जाकर करो। अरे अरे अरे, सब सुन लिया। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे अरे अरे, आप जरा सुनिए तो सही, मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई मुझसे, चलिए ना। है ना तुम्हारे प्यारे बेटे, लो उन्हें ही लेकर जाओ। क्या जी, आप भी इस उम्र में ऐसी हरकतें करना आपको शोभा नहीं देता। राघव आ गया तो हम जा नहीं पाएंगे। अब तुम मुझे दोबारा मुँह फट तो नहीं कहोगी ना? माफ कर दो, मैंने जो कहा उस बात के लिए तौबा करती हूँ, अब ठीक है? आ गई ना लाइन पर। चलिए। आ रहा हूँ ना भाई, तैयार तो होने दो मुझे। कृष्णा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं यही हूँ माँ। अरे जल्दी चलो बेटा, देर हो रही है। अच्छा माँ, हम बड़े भाई को लड़की देखने जा रहे हैं, ये बात पिताजी को बताई दो ना, वो बहुत ही मुँहफड़ है। हाँ? अब पिताजी आप यहीं पर है? हाँ, मैं सामने नहीं रहूंगा तो कुछ भी कहोगे क्या? बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों को। हाँ, देखा माँ, थोड़ी सी हाइट कम है तो क्या हुआ, ये पहनकर पिताजी बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे हैं, है ना? राजकुमार की तरह लग रहे हैं, ये राजकुमार ही है। शाबाश बेटा, हो तो तुम्हारे जैसा। देर हो रही है, बाद में राहु काल शुरू हो जाएगा, चलो। अरे जल्दी चलो भाई। भैया आ गए। अरे चलिए, रुक क्यों गए? चलिए 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 ना। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मतलब? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मतलब क्या? मंदिर जा रहे हैं। हाँ, मंदिर में। हाँ। मंदिर में और भाड़े की कार में। हाँ बेटा, मंदिर के दरवाजे बंद कर देंगे, इसलिए भाड़े से कार मंगवाई है। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, आप भी कहिए ना। अरे भाई मैं क्या कहूँ, अरे अरे, भगवान को नारियल चढ़ाना और तुम अंदर ही भूल आई, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे झूठ क्यों बोल रही हो माँ, मेरे लिए लड़की देखने जा रही हो ना, जरूरत नहीं, अंदर जाओ। अरे सुन तो, हमने झूठ कहा, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? माँ आपने ये सब क्या लगा रखा है? चुप कर, तू भी इसकी तरफदारी कर रहा है। अच्छा ये बता, इस तरह मंदिर के बहाने, किसी काम के बहाने कितने दिनों तक तुम्हारे लिए लड़की देखने जाएंगे? वक्त आने पर मैं खुद ही बता दूंगा, अब चलिए। भगवान जाने वो दिन कब आएगा, पता नहीं तेरा क्या होगा। तुम्हारी उम्र के लड़कों ने शादी करके एक एक के चार चार बच्चे पैदा हो गए हैं, उनके बच्चों के जन्मदिन या नामकरण के दिन जाने पर पता है वो लोग क्या कहने लगे हैं? क्यों जान के बहन, अपने बड़े बेटे की शादी करवाओगी या नहीं, ये सुनकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतनी परेशान हो रही हो? परेशान नहीं होंगी तो और क्या होंगी, इसे देख, ये एक है, तेरे बाद पैदा हुआ है, इसे भी अपनी तरह बना दिया है। माँ आप भैया को गलत क्यों कह रही हो? हाँ मैं सब जानती हूँ, तू भी उसकी तरफदारी करेगा। हाँ जानके। हाँ कहिए। ये नारियल जो है, एक छोटा और एक बड़ा है, इसका क्या करना है? आप एक काम कीजिए। हाँ? एक मेरे सर पर मारिए और दूसरा आपके सर पर, एक बार में सब किस्सा खत्म हो जाएगा। हट जाओ, मैं तंग आ गई मैं तुम लोगों से, एक दिन मेरी जान लेकर आओगे तुम सब लोग, आज के बाद तुम लोग मुझसे बात ही मत करना, समझ गए? ए माँ, ये कोई नई बात थोड़ी है, जाकर उन्हें मनाओ।
आजा आजा सुन बात अपनी, कहते हैं क्या हम, सारा सारा जग साथ अपने झूमे हैं हरदम। हमसे गम ये तन्हाई, ये बच के सदा गुजरे, रहते हम सारे भाई अपनी अपनी धुन में। पड़े गम की कभी परछाई ना, मांगे दुआ ये हम, रहे मिल के ना हो कभी तन्हाई, बिछड़े कभी ना हम। आजा आजा सुन बात अपनी, कहते हैं क्या हम, सारा सारा जग साथ अपने झूमे हैं हरदम। जीवन हमारा आंखें चुराना ना हमसे कभी, जब आप संग हो हर पल है आशा, शिव पार्वती मेरे आप हो सभी। जन्नत जैसा घर है ये घर, ये कितना हसी, सपनों का घर है ये है मेरी जिंदगी। प्रेम सदा बरसे, गम ना हो कभी। सारे पमादर, सारे सारे आजा आजा सुन बात अपनी, कहते हैं क्या हम, सारा सारा जग साथ अपने झूमे है हरदम। होगा सुखमय अपना आप संग रहना उम्र सारी, खुशियों से महके आंगन ये अपना कभी मुरझाए ना फुलवारी। रिश्तों का बंधन ये जग में न देखा कहीं, बंधन यूं ही बंधा रहे साथ न छूटे कभी। मन न कभी तरसे, खुशियां मिले सभी। सारे पमादर, सारे 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 पमादर, सारे 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 पमादर, सारे सारे सारे। जानकी, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? सुनने दीजिए ना, आपके कान बज रहे होंगे। अरे नहीं भाई, छत पर से आवाजें आ रही है, शायद चोर होगा। चोर वोर कुछ नहीं है, आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। ऐसी बात है क्या? कौन है? ये सपना नहीं है, सच में चोर है कोई। हाँ जी, वो चोरी है, उसे पकड़िए, उठिए, जल्दी उठो, बाहर आओ, बाहर आओ, उठो, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो इधर गया है, उधर गया है, जल्दी। कौन है भैया? ये कहाँ है चोर? भैया उस तरफ देखिए भैया, विष्णु वहाँ देखो भैया, वो कमरे में जा रहा है भैया, भैया उसका देखिए यहाँ से आया, जल्दी पकड़ो उसे, छोड़ेंगे। मैं यहाँ संभाल, सुनो जरा संभाल कर, उसके पास चाकू छुरी भी हो सकता है। सुनो, ए तू वहाँ जाकर देख भैया, भैया कहाँ पे कहीं देखते। अरे वो यहाँ पर छुपा है, तुम जल्दी आ जाओ। ये देखो, भागो, बचाओ। भागो, बचाओ। क्यों रे,
बहुत होशियार बनता है, इतने लोगों के होते हुए घर में चोरी करने आ गया तुझे तो मैं। ये क्या है, खून कैसे आया? छत से कूदते वक्त फिसल गया और लग गया। अरे अक्ल के दुश्मन, देख करके कूदना चाहिए था ना। ए, देख क्या रहो, दवा लेकर के आओ ना। ठीक है पिताजी। रुक जाइए, मुझे इन चीजों की आदत है। सबको लगता है कि चोरी करना आसान है, जो ऐसा सोचते हैं वो गधे हैं। अरे बेचारे को हिचकियां आ रही हैं, पानी लेकर आओ। ये कोई ऐसी वैसी हिचकी नहीं है, ये भूख की हिचकी है। मैंने 4 दिनों से खाना नहीं खाया। ऐसे में एक आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, पेट से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम्हारा पेट तो पूरा भरा हुआ लगता है। इस पेट में खाना नहीं है, गैस भरी हुई है। अच्छा, ये तकलीफ तुम्हें भी है क्या? हाँ, क्यों, आपको भी गैस की तकलीफ है? ऐसे क्या देख रहे हो, खाना सामने रखा है, खाओ। मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। ए, हाथ खोलो इसके। ए, जल्दी खोलो, खोलो इसे। आराम से खाओ, नहीं तो हिचकी आएगी तुम्हें। और कोई मच्छी मटन बनाया हो तो माजी वो भी ले आना। नहीं नहीं ठीक है, मैं इसी में एडजस्ट कर लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? भीमा है भैया। ऐसे चोरी करके मार खाने के बदले मेहनत की रोटी क्यों नहीं खाते? चोर को काम कौन देगा भैया? मैं दूंगा, 2 वक्त का खाना, रहने के लिए घर और 1000 रुपए पगार। मेरे साथ काम करोगे? नहीं करूंगा। हाँ? मर जाऊंगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा, आपके चरणों की कसम। तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए लात मारी होगी। मैंने क्या गलत किया, मैंने सिर्फ दूध ही तो दुहा है। बस इतना ही क्या? इतना मतलब दूध में थोड़ा पानी भी तो मिलाया है मैंने। तो ये बात है, इस घर के जानवरों को भी मक्कारी पसंद नहीं है। एक बात बताइए साहब जी, इस घर में जब से आया हूँ मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो काम औरतों को करना चाहिए वो मर्द करते आ रहे हैं। घर की सारी सफाई करते हैं, आंगन में रंगोली सजाते हैं, और इतना ही नहीं माँ जी की साड़ियाँ और सारे कपड़े आप ही धोते हैं। ये काम आप लोगों को शोभा देता है क्या? ए, इस महापुरुष के सवाल का जवाब दो। वो बड़े भैया ने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? क्योंकि बड़े भैया अब तक बड़े नहीं हुए हैं। अरे रे रे, सारा दूध जमीन पर गिर गया। देखा नहीं बेटा, ये क्या बात हुई माँ जी, घर में 2400 घंटे आप यहाँ वहाँ चक्कर काटती रहती हैं, आपको ठेस कैसे लग सकती है? जरूर आपको कोई परेशानी होगी। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती माँ जी, अगर घर में शादी के लायक 4 लड़के होंगे तो ऐसे में भला अपनी बहुओं को देखने की इच्छा किस माँ को नहीं होगी। सच कहा, मेरे लिए एक बहू के रूप में, मेरे बेटे राघव के लिए पत्नी के रूप में, और उसके भाइयों के लिए एक अच्छी भाभी के रूप में आने वाली लड़की इस दूध के ग्लास की तरह हाथों से फिसल कर चली गई। ये डिजाइन देखकर तो दूल्हा फ्लैट ही हो जाएगा। जल्दी डाल। ये क्या है, दूल्हे को ताज खिला रहे हो? पार्टी के लिए पैसे वसूल कर रहे यार। अच्छा तरीका है। हार रहा हूँ यार। ये तो होना ही था।
ए कविता, अब गए काम से पद्मा आ गई है। ए, उन फूलों को ठीक से लगा। I'm sorry. सॉरी क्यों? एक सुंदर लड़की ने तुम्हें धक्का मारा और तुम सॉरी कह रहे हो? कैसे आदमी हो यार? मान गए यार। हाय, नई नई दुल्हन, हाउ आर यू? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुम्हारी माँ से कहा था ना कि शादी के बारे में ना बताए। बुलाने से कोई भी आ जाता है, लेकिन बिना बुलाए आने में ज्यादा टाइम लगता है। बाय द वे, कहाँ है तुम्हारे पति परमेश्वर? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, राजेश बहुत अच्छा इंसान है यार। नो चांस, पहले मैं उसके साथ रैगिंग करूंगी। तुम्हारे लायक है या नहीं पता तो चले। ए, ऐसा मत कर प्लीज यार। आहा, बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। जब हम सब ने मिलकर गीता के पति को छेड़ा था तब तो तुमने ये नहीं कहा था। अब ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? अब जल्दी से मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बाय बाय। पद्मा रुक जाओ। पद्मा, तूने नजर का टीका क्यों नहीं लगाया? शादी तो रात को है, अभी लगा कर क्या फायदा? जल्दी लगा ले यार, सब लोग मुझे दूल्हा समझ रहे हैं। अरे अरे यार। देखो देखो, वही दूल्हा है, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। कुछ भी कहो, अपनी कविता बहुत खुशनसीब है। ओहो, तो ये है दूल्हे राजा। वैसे इतना बुरा नहीं है, इससे तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए, फिर से धक्का मारना है क्या? ठीक है मारिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी शादी है और अब तक आपने कपड़े नहीं बदले। वो क्या है कि मुहूर्त का समय रात को है, बाद में बदल लूंगा। लेकिन वो क्या है? ओ, समझ गया, टॉयलेट जाना है ना, जाइए लेडीज फर्स्ट। जी जी, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। तो फिर मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। क्या कहा? यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ चलकर बात करते, आइए। अब बताती हूँ इसको। अब कहिए। वो ना, आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। अच्छा, थैंक्स। और मैं कैसी दिखती हूँ बताइए ना। फर्स्ट टाइम धक्का मारा तो एवरेज लगी थी, अभी एबव एवरेज। बस इतना ही? मेरा मतलब, पहले आप मुझे अच्छी लगी, लेकिन आपको ज्यादा ही अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छा लगने से क्या फायदा? आप मुझसे शादी थोड़ी ना करेंगे। क्यों, आपको कोढ़ की बीमारी है क्या? जी जी, ऐसी बात नहीं है। ओह, आपकी शादी पक्की हो गई है ना? नहीं, वैकेंसी है, ट्राई करेंगे क्या? आप अचानक पूछने आ गई तो समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब। मतलब आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? कुछ ही देर में इसकी शादी होने वाली है और ये ऐसे पेश आ रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। हेलो, आप किन ख्यालों में खो गई? कुछ नहीं, वो तो बस। अरे अरे, ये आप क्या कर रही है? मेरे पैर पर गिरने की जरूरत नहीं है, मैं आप ही से शादी करूंगा। वो मेरा पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया? हे भगवान। जी जी, पैर फिसलने का मतलब वो नहीं है, मैं स्लिप हो गई थी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओके, जिंदगी भर साथ दोगे? हाँ दूंगा। अच्छा ये बताओ, शादी कब करेंगे? बहुत जल्दी है इसे शादी की। हाँ, मैं अपने घर वालों से बात करके बताती हूँ। थोड़ा जल्दी पूछकर बताना। बेचारी कविता, इसे श्रीराम समझ रही थी। सुनिए, मैं इंतजार करता रहूंगा। हाँ ठीक है। थोड़ी नॉटी जरूर है, पर लड़की है अच्छी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? हाँ अंकल, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। पिताजी, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। तू चुप कर। अंकल, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ, मेरे साथ चलिए। हाय। अरे आप कहाँ चली गई थी? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने घर वालों से बात की? हाँ, बात तो हो गई है, लेकिन आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो ये कोई नहीं मान रहा है। तो बताइए, उन्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो चार लोगों के बीच नहीं करते वो कीजिए ना। जो नहीं करते वो करना, वो क्या है? आप मुझे कस कर अपनी बाहों में भर लीजिए। बाहों में भर लो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी जी। ऐसे नहीं करेंगे तो घर वाले नहीं मानेंगे। भर लो। सोचो मत, जल्दी करो। यहाँ लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। पकड़ लो ना। जल्दी तो करो ना। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? तुमने तो कहा था पकड़ने को, मैंने पकड़ लिया। बाहों में भरने को कहा था। देखा ना, जब मैंने कहा तब तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, अब पता चल गया ना। हाँ पता चला, तू इसे बहुत पसंद करती है। पसंद करे मेरी जूती? मैंने तो इसका कैरेक्टर सामने लाने के लिए नाटक किया है, लेकिन ये मेरा होने वाला पति तो है ही नहीं। हाँ ये नहीं है। तुम कैसे इंसान हो? हाँ, मैंने बाहों में भरने के लिए कहा और तुमने भर लिया? तुम दूल्हे नहीं हो, बता नहीं सकते थे? मुझे कहाँ पता था कि दूल्हे से गले मिलने की तुम्हारी गंदी आदत है। तुझे तो मैं क्या करोगे? क्या करोगे? ये लड़की कौन है जानते हो? कौन है? ये तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी है, पद्मा है। अब झगड़ा मत करो। चलिए चलिए, आप लोग। चलिए
टीका टीका लगा है। चाहिए मेहमानों को संभालिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भैया भैया क्या है? लेटर भैया। किसने दिया? भाभी ने दिया है। भाभी ने? वो कौन है? भाभी का मतलब क्या है? भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं बेटा। माँ मैंने भाभी को देखा है। भाभी को देखा? कहाँ देखा? कल शादी में देखा। आपने सुना, ये कह रहा है कि भाभी को देखा। कौन हो सकती है वो? और कौन हो सकती है, तुम्हारी रिश्तेदार की बेटी पद्मा है ना, उसी को देखा होगा। क्या कहा? रिश्तेदार की बेटी? क्यों रे, क्या सच है? उसके चेहरे पर खुशी देखकर समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी हम लोग बचपन से इनकी शादी के बारे में सोच रहे थे। अपने रिश्तेदार से बात करो और मुहूर्त निकलवाओ। जीजा जी बहुत सुंदर हैं। तो मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? गुस्सा क्यों होती हो? तुम भी बहुत सुंदर हो। भैया इन सबकी हरकतें देखकर लगता है कि भाभी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चुपके से छत पर जाकर भाभी से मिल लो। चला जाऊं क्या? हाँ चुपचाप निकल लो। अरे तुम लोग बातें कर रहे हो, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलो। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। पद्मा क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गए? लगता है माँ आ गई। अब क्या होगा? क्या हुआ पद्मा, तू चिल्ला क्यों रही थी बेटी? माँ क्या हुआ, बात क्या है? वो ना, अरे बाबा बोलो ना। हाँ वो ना? क्या है? इन्हें बहुत जल्दी है, अगर जल्द शादी नहीं करवाई तो शादी से पहले ही अपने हाथ में बच्चा थमा देंगे। जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। मुझे और न तड़पाओ।
तेरा हुस्न प्यारा लगे मुझको जाना, तुझे देख यारा हुआ दिल दीवाना। देखिए सर, इस तरह बिना कोई नोटिस दिए हमारी दुकानों को तोड़ेंगे तो हम सबका क्या होगा सर? ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है भाई, हम भला क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इतने दिनों तक यहाँ दुकान चलाकर तुम लोगों ने सरकारी जगह का फायदा उठाया ना, अब ट्रैफिक बढ़ चुकी है इसलिए हमें ये जगह तोड़नी पड़ेगी। ऐसा है? यस सर। प्रोसीड। ठीक है सर। सर 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 हमारी बात तो सुनिए सर। सर सर ऐसा मत कीजिए सर, सर प्लीज। बेटा तू रुक तो, देखो हमारे हमारे दुकान तोड़ रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया। देखा भाई साहब, तकदीर कैसे कैसे खेल खेलती है, एक ही पल में हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। भगवान जाने अब हमारा क्या होगा, हमेशा हंसते खेलते रहने वाले हमारे बच्चे, आज उन सबके चेहरे पर उदासी देखकर मेरा दिल रो रहा है। भाई साहब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में सुकून की जिंदगी जिए। यहाँ आप लोगों की जिंदगी का ही कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे में मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा? अच्छा हुआ जो होना था वो हो गया, अब ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस वक्त हमें धन दौलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ शादी के बारे में सोचना चाहिए। पागलों जैसी बातें मत करो जानकी, तुम जिस प्यार की बात कर रही हो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो प्यार दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता। अगर मुझे पता होता कि जिस जगह पर तुम लोग दुकान चला रहे हो वो सरकार की जगह है तो मैं रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होता। भाई साहब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। राखो बेटा, पद्मा के पिताजी की बातों का बुरा मत मानो बेटा, तुम देखना बेटा ये क्या है, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छी सी लड़की देखकर हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। पहले जीने की एक नई राय ढूंढनी पड़ेगी, घर बनाना होगा, ढेर सारे पैसे कमाने होंगे, उसके बाद ही सब कुछ होगा, तब तक मेरी शादी की कोई बात नहीं करेगा।
है क्या बेटा? तुम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो और वहाँ पद्मा तुम्हें बार बार याद करती रहती है। हमारे होते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? हमारे पास क्या नहीं है? घर है, धन दौलत है। तुम हमारे साथ चलो, वहां राजा की तरह राज करोगे। भैया जोरों की भूख लगी है, जल्दी आओ ना, खाना खाते हैं। क्या हुआ राघव, ऐसे क्या सोच रहे हो अपने भाइयों के बारे में? हम उन्हें ऐसे ही थोड़े छोड़ेंगे, किसी शॉप में काम पर लगा देंगे। हमारे साथ चलो राघव। तुम्हें पसंद करता हूं इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा हूं। दोबारा कभी ऐसी बात मुझसे मत करना। जाओ। रिश्ता टूट गया। राघव की मेहनत से आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। राघव की शादी के लिए कई मंदिरों में गई, भगवान से प्रार्थना करती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारे राम जैसे भैया को बहुत जल्द सीता जैसी पत्नी मिलेगी। जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शर्मा जी के यहाँ, आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। मुझे पता है आप लोग वहाँ नहीं जा रहे। तो क्या तुझे लगता है तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं? हाँ, अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही। जाना पड़ेगा, इससे अच्छी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी।
इसका नाम अंजलि है, रामपुर की रहने वाली है, जाकर बात कर लीजिए। छाया रंग खुशियों का ये सच है तुम मान लो, लगे हम तो हैं झूमने। सबके चेहरे खिल गए हमको मिल गई भाभी ये सच है तुम जान लो, लगे गम को है हम भूलने। जग सारा हमने पा लिया, खुशियाँ मिली कई, आनंद घर में छा सरगम। रहते हैं खुश हम, ना है अब कोई कमी, रिश्तों का बंधन रहे यूं कायम, हम चाहे बस यही। जरा पास आकर बैठो ना। पता है मैंने इतने दिनों तक शादी क्यों नहीं की? पता है आप इससे पहले एक लड़की से। ये बात नहीं है, हमारे घर में आने वाली बहू मेरी माँ जैसी हो मैं ये चाहता था। उस दिन पहली बार जब तुम्हें मैंने मंदिर में देखा तो मुझे लगा कि वो लड़की तुम ही हो। अंजलि, आज हमारे पास जो कुछ भी है, गाड़ी बंगला जायदाद, ये सब ऐसे ही नहीं मिला है। बहुत अपमान सहकर हम यहां तक पहुंचे हैं, बहुत मेहनत की है हमने, बोझा भी ढोया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ दिया। आज चार लोग हमारी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इस पर आंच नहीं आना चाहिए, और तुम्हारे कारण तो बिल्कुल नहीं। कब से मैं ही बात किए जा रहा हूं, तुम भी कुछ कहो ना। सुनिए जी। क्या? कुंडी। हाँ, कुंडी? कुंडी नहीं लगी। कुंडी लगी नहीं है? नहीं, उस दरवाजे पर कुंडी नहीं लगी। कुंडी नहीं है? इससे पहले इस दरवाजे को कभी कुंडी की जरूरत ही नहीं पड़ी। रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ। अरे राघव बेटा, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है, सिर्फ बातें करके वक्त जाया मत करो, चलो गुड नाइट।
कावेरी हाँ? तुम्हारी बुक गिर गई थी। कोई बात नहीं है, तुम ही रख लो ना। क्यों कृष्णा, क्या हो रहा है ये सब? नहीं कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हो रहा है हा? कुछ नहीं यार। छह पार्टी के चक्कर में कितनी देर हो गई। अब छोड़ना उसकी बात यार, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चल हाँ चलो। अंजलि, कृष्णा आया होगा, जाकर दरवाजा खोलो। सॉरी भाभी। अंदर आ जाओ। बस भाभी, बस भाभी खाओ ना। जरा रुको, बैठो। बियर पी है? अभी टाइम क्या है? सवा एक बज रहे हैं भाभी। इतनी रात को यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, घर वालों को कितनी परेशानी होती होगी, कभी सोचा है क्या? असल में गलती तुम्हारी नहीं, रोज देर हो जाने पर भी जो दरवाजा खोलती है उनकी गलती है। तुम्हारे भाई भी मेहनत करके थकी मांदी सीधे घर आते हैं, तुम दोनों को भी घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सॉरी भाभी। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, रोज खाना वक्त पर खाने के बजाय इस तरह देर से खाओगे तो तुम्हारी हालत कितनी बिगड़ेगी जरा सोचो। देखो कल से तुम लोग 10 बजे के अंदर इस घर में आ जाओगे। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। देख रही हो जानकी, तुम्हारी बहू तो लेडी हिटलर निकली। क्यों, सब लड़कियां आपकी पत्नी जैसी होंगी क्या? सो जाइए। वो बाबूराव बहुत ज्यादा उड़ रहा है सर, पंचायत के बल पर उसने कोर्ट में केस दर्ज किया है। केस वापस लेने के लिए कहा तो मान नहीं रहा है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। आईजी साहब भी उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। इतने दिनों तक जो आपके टुकड़ों पर पलता रहा, ऐसे इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अगर आप उसे बुलाकर जल्दी से कोई फैसला नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ। पंडित जी, आज तक ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर सके। फिक्र मत कीजिए, उसे निपटने का उपाय मैं जानता हूँ। अरे भाई इधर आइए, यहाँ गोवर्धन चौधरी कौन है? तेरी इतनी हिम्मत, हमारे बड़े मालिक को उनके नाम से बुला रहा है। तो पता कैसे चलेगा, वो मालिक होगा तुम्हारे लिए, मुझे उससे क्या? सारा बकवास बंद कर और लिफाफा देकर भाग यहाँ से। ऐसे नहीं दे सकता मैं, रजिस्ट्री जिसके नाम पर आया उसी का साइन लेकर मैं दूंगा। मालिक उसे ऊपर भेजो मेरे पास। सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा मत लेना। नमस्ते सर। कौन से गांव से? उस पर लिखा है सर। पता है मुझे, तू कौन से गांव का है? लक्ष्मीपुर से। लक्ष्मीपुर में काले सिंह को जानता है? अरे बाप रे, उतने बड़े आदमी को भला कौन नहीं जानता, ये पोस्टमैन का काम भी उन्होंने ही मुझे दिलवाया है। काले सिंह के बाद मेरा नाम जुबान पर लाने वाला बस तू ही दूसरा आदमी है। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी सर, मैं बाल बच्चे वाला आदमी, मुझे माफ कर दीजिए सर। ए लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर। ले ले रे,
कितने सालों के बाद तूने मुझे मेरा नाम याद दिलाया, ले ले। रखता हूँ सर। बेटा कावेरी कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ। आज तो संडे है ना? स्पेशल क्लास है डैडी। ओ ठीक है, जाओ। कृष्णा जी मालिक। लोड कहाँ जा रहा है? ओरिसा में मालिक। ये क्या है, बोरी पर 50 किलो लिखा है और तुम 49 किलो तौल रहे हो? मैंने ही इसे ऐसा करने के लिए बोला है बेटा। आपने क्यों? तुम तो जानते हो बेटा, बिना किसी फायदे के उसी दाम में हम माल बेच रहे हैं जितने में हम मार्केट से माल उठाते हैं। वैसे भी हमारी राघवेंद्र कंपनी का नाम मार्केट में काफी मशहूर हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बात का हमें कुछ फायदा उठा लेना चाहिए। इसका मतलब माल कम देकर कस्टमर के साथ धोखा करें? देखिए, आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह यह है कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं। वजन ठीक से किया कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हेलो, जब हमारा परिवार रास्ते पर आ गया था तब तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? जब तुम्हारे जीने का कोई सहारा नहीं है तो अपनी बेटी को इस घर में ब्याह कर उसकी जिंदगी बर्बाद करूँ क्या? अब उसे यहाँ आते हुए शर्म आ रही है, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा उसने। जी बिल्कुल, जब उनका जी चाहे वो रिश्ता जोड़ जाते हैं, और रिश्ता तोड़ना होता है तो सभी रिश्ते नातों को भुला भी देते हैं। माँ जी वो आ गए। बैठो पद्मा। नहीं मैं ठीक हूँ। अंजलि मेरी पत्नी। नमस्ते। नमस्ते, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अंजलि बहुत खूबसूरत है राघव, इसलिए तो ये हमारे घर की बहू बनी है। वैसे तुम यहाँ किस लिए आई हो? वजह चाहे कुछ भी हो, मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा राघव, दौलत से ज्यादा अपनों का साथ ज्यादा जरूरी होता है। इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर होने के बाद ही हुआ। राघव, जो चीज मुझे नहीं मिल पाई वो सब मेरी बहन को मिले, इस उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। कल्याणी की शादी विष्णु से कर दो राघव। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कॉफी लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब एक साथ शादी में ही खाना खाएंगे। तुम घर में छाया रंग खुशियों का, ये सच है तुम मान लो। लगे हम तो हैं झूमने, सबके चेहरे खिल गए हमको मिल गई भाभी, ये सच है तुम जान लो। लगे गम को है हम भूलने, जग सारा हमने पा लिया, खुशियाँ मिली कई, आनंद घर में छा सरगम।
हैं खुश हम, ना है अब कोई कमी। रिश्तों का बंधन रहे यूं कायम, हम चाहे बस यही। कोई देख लेगा तो देखने दो। अरे क्या कर रही हो, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो, मुझे दुकान पर जाना है। दुकान पर ऐसे जाओगे क्या? हर रोज तो मैं ऐसे ही जाता हूँ। वो मेरे आने से पहले होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आइए। अरे कहाँ ले जा रही हो? आइए ना, इसे पहन लीजिए। ये नए कपड़े, इसे पहनकर दुकान पर जाऊंगा तो खराब हो जाएंगे। आप कपड़े उतारिए। उतारिए ना, उतारिए। मेरी बात तो सुनो। अब आप एक लॉरी के क्लीनर नहीं है, शॉप के ओनर है। अब ये वॉच किस लिए? काम करते वक्त कभी घड़ी नहीं देखनी चाहिए। हे भगवान, अब देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। कौन है? अरे 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 विष्णु, तुम हो? कहीं गांव जा रहे हो क्या? नहीं, दुकान पर। दुकान पे? जानकी, ये तेरा बेटा क्या पहनकर दुकान पर जा रहा है? घड़ी, अंगूठी, चेन, बेल्ट, टकाटक चमक रहा है तुम्हारा बेटा। ये नहीं सुधरेंगे, पागल है। क्या हो गया इसे? अरे क्या बात है भैया, क्या बात है भैया, क्या शूज है, क्या बेल्ट है, कहाँ चले भैया? दुकान पर। दुकान पर? ये तो चमत्कार हो गया। क्या बात है भैया। भैया जाने से पहले फोटो निकाल कर जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। जाइए भैया, जाइए। चल, आज भैया कुछ अलग ही लग रहे हैं ना। जेंटलमैन। सुनिए जी, सुनिए। सुबह आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने आपको प्यार से नए कपड़े पहनाए और आप उतार के चले गए। क्यों किया ऐसा? वो सब मुझे पसंद नहीं है कल्याणी। मेरी बात सुनिए, आपको वैसा देखना मुझे पसंद है। इस घर में आपके भाई लोग सब आपकी तरह हैं क्या? तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हैं? हाँ बताइए। मैं आपके पास आती हूँ तो इमली और जीरे की बास आती है। खाना बनाते वक्त इसकी बास नहीं आती क्या? बकवास मत कीजिए, आपकी माँ ने आप ही को इस तरह से क्यों पाला पोसा है? मुझे किसी ने नहीं पाला, मैं ऐसे ही बड़ा हो गया। बस कीजिए, बात मत कीजिए। पहले सवाल करती हो फिर जवाब देने से मना करती हो। क्या कहा? हमारी नई नई शादी हुई है, आप ये क्यों नहीं समझते कि आपको घर जल्दी आ जाना चाहिए? इस घर में नौकर भी वक्त पर खाना खा लिया करते हैं, आपको तो दुकान से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, कल से मुझे भी दुकान लेकर चलिए, वहीं पे घर बसा लेंगे। अरे अरे भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। हमारी शादी को कोई 10 साल नहीं हुए हैं, काम करते हुए मेरी जरा भी याद नहीं आती। अरे मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, इसका जरा भी ख्याल नहीं? दो पल प्यार की बातें भी नहीं कर सकते, इतने लोग हैं इस घर में, कुछ करते हुए भी डर लगता है। हम तो चले। सब सामान ले लिया ना, जाओ जल्दी जाकर बैठ जाओ, जाओ जाओ। भैया चलता हूँ, संभल कर जाना। ए विष्णु, कल नासिक से माल आने वाला है, गोदाम में रखवा देना। ठीक है भैया, ध्यान से। अरे विष्णु चलते हैं बेटा। संभल कर माँ। हाँ बेटा। अच्छा माँ जी, ठीक क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? मेरा मफलर रह गया है। आपका मफलर मैंने सूटकेस में रख दिया, आप चलिए। पक्का रख दिया है ना? चलिए ना। क्या हुआ, मुझे क्यों मारा? आपको भी दर्द होता है क्या? और नहीं तो क्या? और जो दर्द देकर गए उसके बारे में जरा भी बुरा नहीं लगता? सब गाड़ी में बैठ गए, तुम लोग भी चलो, ऐसे किसी ने हमें पूछा क्या? सब चुपचाप चले गए। ये क्या है जी, नई नई शादी हुई है, उनका भी तो घूमने का मन कर रहा होगा, और इस तरह हम उन्हें अकेले छोड़कर। हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही थी इसलिए ये प्रोग्राम बनाया। अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने जाकर दुकान खोल ली तो? इसीलिए तो चाबियां साथ में लेकर आया हूं। बाप रे, आप बहुत समझदार हैं। क्यों भाई, तुम्हें चांस नहीं मिला इसलिए फील हो रहा है क्या?
सही कहा ना कल्याणी, दुकान की चाबियां दो। मेरे पास कहाँ है, कहीं दुकान की चाबियां हमारे पास हो और हम सामान ना चुराए, इसीलिए भैया लेकर गए। भैया लेकर गए दुकान की चाबियां? मतलब भैया चाबियां क्यों लेकर गए? अरे बाप रे बाप, चावल की बोरी से भी ज्यादा भारी हो। बदमाश कहीं के। टीवी वाले आए हैं? टीवी वाले मेरे इंटरव्यू के लिए आए होंगे। सर प्लीज सर कुछ बोलिए ना सर। सर प्लीज प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने के लिए कांग्रेचुलेशन सर। ये बताइए सर, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करके आपको कैसा लग रहा है?
बताइए ना सर, बाकी स्टूडेंट्स के माँ बाप को भी आपसे इंस्पिरेशन मिल जाएगा, कुछ तो कहिए। मैं अब यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल को देखने के लिए बेचैन नहीं हूँ। दुख में मेरे आंसू पहुँच कर कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाने वाले मेरे भाई की आंखों में मैं खुशी देखना चाहता हूँ। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते सर, आपके भाई की नजर में आप इतने ग्रेट हैं, ऐसा क्यों? ग्रेट सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, लेकिन इसने हमारे परिवार का नाम रोशन किया। आजकल लड़के प्यार के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसलिए इसने गोल्ड मेडल हासिल किया। हेलो, कौन? मैं कावेरी हूँ, कृष्णा है क्या? हाँ, एक मिनट। अरे कृष्णा, तेरा फोन। कौन है? कावेरी, कावेरी। हेलो। हाय हैंसम, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू। पेपर में रिजल्ट देखकर मैं इतनी थ्रिल हो गई, पता है? आई एम सो हैप्पी। हाँ, ठीक है। क्या बात है, तुम्हारे पास कोई है क्या? क्या कर रहे हो? हाँ, माँ और भैया भाभी है। ओह, मुझे अर्जेंटली तुमसे मिलने का मन कर रहा है। कल एग्जैक्टली 10:30 को मिलते हैं, ओके? सी यू, बाय। माँ, कृष्णा को दिल्ली में नौकरी मिली है। हाँ? जल्दी ज्वाइन करने को कहा है। कितनी अच्छी खबर सुनाई तूने बेटा। देखा आपने? कृष्णा, इधर आ बेटा। आ, तुझे दिल्ली में नौकरी मिली है, ये देखो लेटर। देखते देखते कितना बड़ा हो गया माँ। पहले ये स्कूल जाया करता था और आज दिल्ली में नौकरी करने के लायक हो गया है। शाबाश कृष्णा। ए, हाँ। इसके जाने का इंतजाम करो। हाँ भैया। क्या हुआ रे, हम सब तुमसे ही बातें कर रहे हैं और तू चुपचाप चला जा रहा है? मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहा है? हमने इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया, अब नहीं जाएगा कह रहा है? इसके पीछे एक वजह है माँ। वही तो हम जानना चाहते हैं। पढ़ाई के बाद नौकरी करना जरूरी है क्या? घर की जिम्मेदारी संभालने में ऐसी भी क्या जल्दी है? तो क्या तू हमारी तरह दुकान में काम करना चाहता है, इसलिए हमने तुझे पढ़ाया लिखा है? हाँ? कहता है कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, कैसी बात करता है तू? राघव, तुझे क्या लगता है हम तेरी कमाई के भरोसे हैं? यार बात ऐसी नहीं, मेरी बात समझ। क्या समझना है, तू हमसे बड़ा हो गया क्या? हमें कमा कर देने के लिए तुझे नहीं पढ़ाया। अरे भैया का फैसला था, हमारे घर में भी कोई पढ़ा लिखा साफ कहलाने वाला आदमी हो, इसलिए तुझे पढ़ाया। भैया आपको कुछ पता नहीं, आप चुप रहिए, कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता। तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है, कल तू दिल्ली जाएगा, बस बस। चल। ये जॉब क्यों आए मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। माना कि उनकी नजर में इस काम की काफी अहमियत है, मगर मेरे दिल को भी कोई समझे? बचपन से पढ़ाई पढ़ाई करते रहे, अब सीधा दिल्ली जाने की बात करें। अब तक मैंने उनकी हर बात मानी, लेकिन अब नहीं होगा, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। कृष्णा, तुम ही बताओ कावेरी, तुम मेरे बगैर रह सकती हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं ही कुछ सोचता हूँ, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ जाओ। तेरा नाम कृष्णा है क्या? हाँ। चल गाड़ी में बैठ। क्यों? बड़े मालिक तुझे याद कर रहे हैं। राघवेंद्र के भाई हो ना? हाँ सर। कावेरी को कब से जानते हो? उसका हिसाब नहीं है। तो मैं तुम्हें हिसाब बताता हूँ। हमारी औकात और तुम्हारी औकात के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे परिवार की बुराई कर रहा हूँ। राघवेंद्र के परिवार की गिनती एक इज्जतदार घराने में होती है। ऐसे घराने में तुम जैसा नालायक इंसान कैसे पैदा हो गया रे? हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं सर। अपने दिल से मेरी बेटी का प्यार हमेशा के लिए निकाल दे।
आज के बाद तुम मेरी बेटी के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। अगर दिखाई दिया तो कुत्ते की मौत मारूंगा, सिर्फ तुझे नहीं तेरे पूरे परिवार को। कुत्ते की मौत मारूंगा तेरे पूरे परिवार को। चलता हूं भैया, चलता हूं। इसी में हम सबकी भलाई है छोटू, संभाल कर जाना। श्री मुरली मनोहर नारायण विश्वविधाता जय श्री कृष्ण। गोविंदा गोविंदा। क्या रे, चर्बी चढ़ी है क्या? नहीं मालिक, आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। मुंह बंद करके अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। स्वामी, इस गरीब के धंधे को सातवें आसमान तक पहुँचा दो। मैं वादा करता हूँ आपके चौखट पर आकर अपना सर मुड़वा दूंगा, मदर प्रॉमिस। भरोसा मत करना भगवान। आया वो राघवेंद्र कोई काला जादू जानता है क्या, जो लोग मक्खियों की तरह उसकी दुकान पे जमा होते हैं? काला जादू करना तो नहीं जानते। हाँ। लेकिन व्यापार करना जानते हैं। मतलब और क्या, उसकी दुकान में चावल में कंकड़ ढूंढने से भी नहीं मिलता। ओके। लेकिन हमारे चावल में कंकड़ ही कंकड़ होते हैं मालिक। लगता है हमारी दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं। साइलेंट। आइए सर, 90% डिस्काउंट। चुप कर। आइए भाई साहब, आइए, वेलकम। क्या चाहिए आपको? प्योर गोल्ड है क्या? नहीं, नकली है। मुझे पहले नहीं पता था। सर्किट पे हाथ डालता है, हाथ हटा, काट डालूंगा। अबे डर फुटिया होकर मेरे दुकान पे आकर मुझे ही मारने की धमकी देता है, किसके ऊपर तो इतना उड़ रहा है भाई। बंद करो मुन्ना भाई, ये थोड़ी है, वो तो संजय दत्त है। ए, मैं कौन हूँ अभी साबित करके बताता हूँ। तुम लोग अपना काम करो, जाओ। कहाँ जा रहे तुम लोग? बीपी है क्या? नहीं है। तो क्या अल्सर है? नथिंग। हार्ट अटैक? बिल्कुल नहीं। पाइल्स? इसको है। शुगर? शुगर अंदर बहुत सारा है, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? यस 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 यस। तुम्हारी दुकान से बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही है, ऐसा मुझे पता चला है। मेरी दुकान से? यस। मध्य प्रदेश में 2632 लोगों की आबादी है, जिसमें से 200,000 महिलाएं शुगर से पीड़ित हैं तेरी वजह से। इसके अलावा 800,000 पुरुष लोग हर रोज अल्सर से तड़प रहे हैं तेरी वजह से। साल में 7,777 बुढ़े लोग धड़ाधड़ हार्ट अटैक से लुढ़क रहे हैं तेरी वजह से। 18,30,303 बच्चा लोग अजीबोगरीब बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार तू है, तू है, तू है। माँ कसम, क्या बोला है सर आपने? कुछ कहना है तो तू है, तू है, तू है, लास्ट में बोल दे। हमारे डॉक्टर जाँच कर रहे हैं, चुप रहे। डॉक्टर? यस। इस नमक में बहुत ज्यादा बीपी है। नमक में बीपी? डॉक्टर, इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, इस आटे में बहुत ज्यादा भूसा है। डॉक्टर, इस चीनी में शुगर टू मच है। डॉक्टर, चीनी में चीनी नहीं तो क्या चूहे की दवा होगी? सही कहा ना? मरीज को देखकर रोग का पता चलता है क्या? नो आर्ग्यू, नो चीनी कम, समझे मिलावट चंद? ये मिलावट चंद कौन है? अबे मेरा बाप है, तुझे क्या करना? 50-50 किलो सारे सैंपल्स उठाकर एम्बुलेंस में डालो डाकू। छिछी,
डॉक्टर्स यो सैंपल 50-50 किलो yes. अबे तेरी जात का सैंपल के तौर पे कोई 500 ग्राम लेकर जाता है मगर तुम तो मेरी पूरी दुकान खाली कर रहे हो ये सब कहाँ लेके जा रहे हो लैब में बताना डॉक्टर रामप्रसाद के कलर लैब में अच्छा डॉक्टर रामप्रसाद कलर लैब में जा रहा है मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ मालिक मुझे एक छोटा सा डाउट है वो क्या है रामप्रसाद कलर लैब में तो फिल्म होते हैं ये सैंपल की जाँच कैसे करेगा ये बात तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई मुंह देखने के लिए तेरी जात का संजय दत्त ए मुन्ना भाई रुको रुको ए मुन्ना भाई गोविंदा ओ गोविंदा नमस्कार सत्यमूर्ति जी नमस्कार नमस्कार सब अच्छा है ना हाँ हाँ बहुत बढ़िया हाँ राघवेंद्र जी नहीं है क्या नहीं है वो उड़ीसा गए हैं अच्छा वो होते तो बड़ा अच्छा होता कोई काम था क्या कृष्ण राव जी हाँ बेटा अपने राम मूर्ति जी है ना उनके पास बहुत गेहूं है उसे अगर खरीद कर रख लें तो कुछ दिनों में भाव बढ़ने की संभावना है अगर राघवेंद्र जी होते तो ये फैसला लेते वो नहीं है तो क्या हुआ अपना विष्णु तो है ना वो खरीद लेगा भैया को पूछे बगैर ये क्या बेटा फायदा कभी बता के नहीं आता भाई होते तो वो भी खरीद लेते और इस वक्त अपने पास पैसा भी है खरीद कर रख लेते हैं ठीक है आपकी मर्जी ये लो 3 लाख रुपए अपने हाथों से कृष्णा राव जी को दे दो राघव के आने के बाद बाकी सेटल करेंगे जबान नहीं फिसलनी चाहिए पैसे फिसल जाए तो उन्हें उठा सकते हैं ये अपने फायदे का सौदा है दे दो बेटा चलता हूँ बेटा नमस्कार उड़ीसा से चावल की बोरियां आई है मैंने गोदाम में रखने के लिए कह दिया है ठीक है भैया आ गए क्यों सत्यमूर्ति जी गेहूं का भाव पता चला डायरेक्ट आधा भाव गिर गया है जिसने खरीदा होगा उसका तो दिवाला निकल गया होगा और कृष्णा राव के बारे में सुना परसों उसने 5 ट्रक और खरीदे उसे जितना मिले उतना कम है अब तो उस गेहूं की उसे चपाती बनाकर खानी पड़ेगी इंसान को कभी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए शुक्र है कि हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है भैया क्या है कुछ नहीं वो गांव से बेटी और कल्याणी को लेकर आना है जाओ संभाल कर जाना देखा आपने मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करता शुक्रवार के दिन इसका जन्म हुआ है अपने घर की भाग्य लक्ष्मी है आओ बेटी आओ बालू हाँ आ रहा हूँ दीदी भीम पानी लाकर सीढ़ियाँ साफ कर दो ये क्या माजी भैंस सीढ़ियों पर चढ़ी थी क्या भैंस नहीं रे भैंस के रूप में इंसान था अरे बच्चे तो भगवान की तरह होते हैं उसकी जगह पैरों में नहीं होती दिल में होती है बिल्कुल अपने माँ पर गई है अच्छा अब हम चलते हैं चाची ये क्या आप ऐसे चले जाएंगे खाना खाकर जाइए एक बात कहूँ बहन तुम्हारे सारे बेटे एक ही घर में रहते हैं भला मेरा ऐसा नसीब कहाँ मेरे दोनों लड़के अलग अलग घर में रहते हैं मिलकर रहना या अलग होना घर में कदम रखने वाली बहू पर निर्भर होता है हमारी बड़ी बहू को देखिए वो इस घर की लक्ष्मी है जब से इस घर में आई है उसने हमारा अच्छी तरह से ख्याल रखा है पिछले जन्म में हमने जरूर पुण्य किए हैं जो बहू के रूप में हमें एक बेटी मिली बेटी कल्याणी थोड़ा दूध मिलेगा क्या दूध वूध कुछ नहीं है घर में मेहमान आए हैं बेटी कहाँ ना दूध नहीं है मिलो बाबू क्या हुआ चाची थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या बेटी घर में मेहमान आए हैं उनके लिए चाय बनानी है रुकिए मैं लेकर आती हूँ हाँ
अब तक मैं लोगों के मुंह से तुम्हारी अच्छाई के बारे में सुनती आ रही थी, मगर आज देख भी लिया। चलती हूँ बेटी। कल्याणी, बच्ची रो रही है, जरा देखो तो। कल्याणी, बच्ची रो रही है, तुम लोग आराम से सो रहे हो? यहाँ कोई नहीं सो रहा है आराम से। क्या कहा बेटा? विष्णु, दरवाजा खोल। विष्णु, विष्णु। आया माँ। अरे बच्ची रो रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? कैसे माँ बाप हो? ले 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 ले। चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। क्यों बच्ची को रुला रही है? मत रो बेटी, चुप हो जा। लगता है इसे भूख लगी है, पेट भी अंदर कितना चला गया है। क्या हुआ माँ जी? अरे बेटी अंजलि, सुनो बेटी, जरा दूध जल्दी लेकर। अभी लेकर आई। दूध होता तो मैं नहीं पिला देती। ये क्या बेटी, घर में इतनी सारी भैंसे हैं और बच्चे को देने के लिए जरा सा भी दूध नहीं है? कैसे होगा, बच्चे के लिए जो दूध रखा था वो दान कर दिया है। दान कर दिया? किसने? और कौन, इस घर की महालक्ष्मी ने। ये क्या है कल्याणी, दूध देते वक्त जब तुम वहीं पर खड़ी थी, कहना चाहिए था ना कि वो दूध बच्चे के लिए है। मैंने मना तो किया था, लेकिन अपना बड़ापन दिखा रही थी तुम। तुम्हें पता नहीं था वो दूध बच्चे के लिए है? और बाकी का दूध कहाँ गया? हाँ, मैं पी गई हूँ। अरे रे 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 रे, क्या बेटा, आधी रात को झगड़ा कर रहे हो, चैन से सोने भी नहीं देते। बच्चा रोता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं जानबूझकर सबको नींद से जगाती हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? ए विष्णु, बस करो, ये क्या हो रहा है इस घर में? ए भीम, इधर आ। घर में छोटा बच्चा है, दूध बचा कर रखना चाहिए ना। अब चुप क्यों है? जब दूध बचता नहीं है तो बेचते ही क्यों हो? भैंस कितना दूध दे रही है, कितना गोबर, ये हिसाब भी मैं ही रखूंगा क्या? तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए, चल जा। लाइए माँ जी, मुझे दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे अपने बच्चे को संभालना आता है, ला दो। कल्याणी, जब से घर में मेरा रोना भी बढ़ गया, मेरा नसीब भी खराब है। चल अपना मुंह बंद कर। वो तो ठीक है, ठीक है, तुम अंदर जाओ। सत्यमूर्ति जी। हाँ बेटा। कितने ट्रक आए हैं? तीन बेटा। अच्छा विष्णु का है? घर से फोन आया था इसलिए चला गया है। हाँ। ये सब क्या है, चावल में इतने कंकड़? सारा स्टॉक ऐसा ही है क्या? हाँ बेटा, इस नायडू को कितनी बार फोन करके बताया मगर वो जवाब ही नहीं देता। ये क्या है? सोना मसूरी, हमारे मिल से भेजा था। हम लोग दूध में पानी नहीं मिलाते और तुमने चावल में कंकड़ मिला दिया। कंकड़ मिलाया? गलत है। ए रामू। जी मालिक। इधर आ दू। आ बैठ। क्या कर रहा है तू वहाँ? बोरिया गिर रहा हूँ मालिक, एक बोरी कम है। तो क्या हो गया, इतना रो रहा है? अरे खुद को हरिश्चंद समझता है क्या? एक बोरी कम है, यहाँ लोगों को अनाज कम पड़ रहा है और तू बेकार की कमियाँ ढूंढते फिर रहा है। लक्ष्मी, मछली भिजवाई है मैंने, कढ़ी बनाओगी या फ्राई करोगी? वैसे जो भी बनाती हो अच्छा ही होता है। हाँ। रामू को भेज रहा हूँ, टिफिन भेज देना। हाँ? हाँ हाँ। जी मालिक। आप कुछ कह रहे थे, चावल में कंकर है? गलत है, कैसे हो सकता है? ए, चावल सब नीचे गिर रहा है। अरे तुम लोग ठीक से बोरियां भरो, चावल में कंकर मिल रहा है कहकर लोग मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। गलती तुम लोग करते हो और यहाँ लोगों की बकवास मुझे सुननी पड़ती है। मैं पूछ कुछ रहा हूँ और तुम बता कुछ रहे हो। तुम्हारी बातें मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। देखो, घुमा फिरा कर बात करने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, बस बहुत हो गया। मैंने गलत क्या कहा? मछली का कांटा होता है वैसे चावल में कंकर होता है। बगैर कांटे के मछली बिकती है क्या? उसी तरह चावल में कंकर मिल जाता है। इतनी छोटी सी बात को लेकर आसमान सर पर उठा रखा है। चावल क्या आसमान में उगता है, जमीन में उगता है, तो उसमें चार पांच कंकर मिलेंगे ही, इसमें गलत क्या है? सुनो, मक्कारी करना तुम्हें अच्छा लगता होगा लेकिन मुझे नहीं। धंधा किसे कहते हैं पता है? विश्वास को। लोग हम पर विश्वास करते हैं तो हमें भी उनका विश्वास बनाए रखना चाहिए। गल्ले में सिर्फ पैसा जमा करके मत रखो, बल्कि थोड़ा पुण्य भी कमाओ। तुम चावल में कंकड़ मिलाने की गलती कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी गलती करे तो चुप रहोगे? हाँ,
लोगों ने दो लोगों के हाथों में तराजू दिया है, एक न्याय की देवी के और दूसरे व्यापारी के। इनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी अगर तुम्हारे साथ धंधा करूंगा ना तो गलती मेरी होगी। चलता हूँ, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भरोसे पर धंधा नहीं करता, बल्कि तुम मेरे भरोसे पर धंधा करते हो। मैंने तुम्हें उधार में माल दिया, उसका तुमने मुझे ये सिला दिया। अब सुनो, ब्याज के साथ मेरा पिछला सारा का सारा हिसाब चुका दो। हमारा लेन देन खत्म हुआ समझो। मैं ही बंद करवा देता हूँ, मैं सारा हिसाब बंद करवा देता हूँ। अभी लॉरी से सारा माल नीचे उतरवा दो। इसके साथ धंधा करके मैं धन्य हो गया। साले मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी माल नीचे उतरवा। समझता क्या है अपने आप को, बड़ा आया न्याय की बातें करने वाला। सुनिए, गाँव जाने से पहले शर्मा जी के लिए पैसे देकर गया था ना, उसे दिए क्यों नहीं? उन पैसों से विष्णु बेटा ने गेहूँ खरीदा। क्या कहा, गेहूँ खरीद लिया? हाँ, भाव बढ़ेगा सोचकर। सुनिए, आपके पास दवाई की चिट्ठी है क्या? मेरे पास कहाँ है, उस दिन तुमने ही तो लिया था। अंदर देखो। मैं अंदर देखती हूँ, आप पैसे लेकर आइए। हेलो, मैं राधे किशन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमने जो आपसे चावल लिए थे वो जरा भी अच्छे नहीं है, उसमें बहुत कंकड़ है, कस्टमर हमें गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है, माल वापस भिजवा दीजिए, मैं दूसरा भिजवाता हूँ। ठीक है। इस घर के संस्कार बिगड़ने लगे हैं, लोग पैसों के दीवाने होते जा रहे हैं। बेटा विष्णु, तेरे भैया ने किसी परेशानी की वजह से कह दिया होगा, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। कल्याणी को पता चलेगा तो बुरा मान जाएगी। ये पैसे लो और जल्दी जाओ। लो बेटा। राघव बेटा, तुमने विष्णु से कितनी बड़ी बात कही। हमने तो सोचा था कि इस घर में सिर्फ तुम्हारे पिताजी इस तरह से बात करते हैं, अब तुम भी ऐसी बातें करने लगे हो। इस घर के लिए उसने भी क्या कुछ नहीं किया, अगर वो पैसे ले तो इसमें बुराई क्या है। और तो और, अपनी बेटी को अस्पताल ले जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। सोचो उसे कितना बुरा लगा होगा। राघव बेटा, एक तुम्हारे अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। किसी और का गुस्सा मैंने तुझ पे उतारा, दिल पे मत लेना, मुझे माफ कर दे। ये क्या भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी बात मत कीजिए। किसे क्या देना है और किससे क्या लेना है, ये लेन देन की बातें आप ही समझ सकते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है भैया।
ठीक चलो मुनी को देखते हैं। बाबू नहीं रोते बच्चे अब कैसे डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, जस्ट फीवर है बस। मुन्नी रो क्यों रही है? इंजेक्शन दिया है ना इसलिए। ओ ले 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 ले। हाँ नहीं रोते। ले 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 ले। ए सोयाबीन गेहूं की राइट, 50 चावल की राइट, शक्कर साबुन तेल राइट। राइट सर। ए कौन हो तुम सब लोग? हम सब अनाथ हैं सर। अनाथ बच्चे हो? हाँ सर। खाना खाए घंटा हो गया सर, खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक देंगे क्या सर? कोल्ड ड्रिंक खाते नहीं पीते हैं। तो फिर बादाम या काजू दे दो, कुछ भी दे दो, हम एडजस्ट कर लेंगे। चूहे मारने की दवा दो? सबके सब सांड जैसे हो, तुम सब अनाथ हो क्या? ए, जबान संभाल के बात कर, अनाथ बच्चों का मतलब पता है तुझे? धूर्त हाथी के बच्चे, तेरा सर फोड़ दूंगा। ए धक्का मारो रे। अरे अरे मुझे नहीं, इन लोगों को भगा रे, अपने आप को अनाथ कहते हो? काट के रख दूंगा तुम्हारी जात का। ए हम अनाथ छोटे बच्चों को तूने धक्का मार कर बाहर निकाला, अब तुझे दिखाते हैं। ये बेचारे छोटे अनाथ बच्चे हैं, इन्हें तूने धक्के मार कर बाहर निकाला? ये लोग अनाथ है, एक एक टाइटैनिक के शिप जितने हैं। सुना माँ, ये अनाथ बच्चों के बारे में क्या कह रहा है? बताओ माँ, बताओ माँ। ये फोटो किसका है? मेरी माँ का है। इसकी मम्मी का फोटो है रे। ए तू क्यों चिल्लाया? आपका साथ दे रहा था। थैंक्स। ये फोटो तुम्हारी माँ की है? यस। शक्ल मिलती है देख लो। बिल्कुल नहीं मिलती। तेरे पिताजी क्या करते हैं? पता नहीं। क्यों? मेरी माँ की अभी तक शादी नहीं हुई। यहाँ भी मिलावट लगता है। वैसे तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ए भाई का थप्पड़ झकास। तो फिर मुंह खोलो, यहाँ क्यों आए हो? आज डेट क्या है? डेट जानने के लिए मेरे पास आया है? मेरे पास कैलेंडर नहीं है। बता। 15 तारीख। इन अनाथ छोटे छोटे बच्चों को तूने बेरहमी से बाहर धकेल दिया, अब देखना 15 तारीख तक तेरे पूरे दुकान को खाली कर दूंगा। क्या? और 20 तारीख को तुम्हारी बैंड बजाने इस दुकान में एक मर्द आएगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। क्यों? और फिर 25 तारीख को ऐसा करूंगा कि लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। अभी भी तो थूकते हैं। ए चुप कर। और 1 तारीख को हमेशा हमेशा के लिए तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। देखेगा देखेगा देखेगा। शाबाश। देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा। तेरे कैश बॉक्स में जो कैश है ब्लैक है या व्हाइट है? दो नहीं है, बहुत से कलर्स हैं। मतलब नकली करेंसी है। रे सीज द कैश। यस बॉस। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, ये मेरे पैसे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जाएगा बे? लैब में। हाँ मुझे पता है, राम प्रसाद लैब ले जा रहे हो। प्रसाद लैब? कमॉन अनाथ बच्चों कमॉन। कहीं और ले जा रहे हैं, कोई प्रसाद लैब में? प्रसाद लैब में फिल्मों की रील झूलती है। अबे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नमाज जो था। अबे मेरा हो गया लॉस। रुक जाओ बॉस, रुक जाओ। बिंदा लो बिंदा। हेलो कौन? मैं हूँ भाभी, कृष्णा। कृष्णा माँ जी, कृष्णा कैसे हो तुम? कृष्णा मैं ठीक हूँ। मुझे कृष्णा कृष्णा कैसा है तू बेटा? ठीक तो है ना? हाँ, पर खाना खाता है ना? खाता हूँ माँ, तुम कैसी हो? मुझे तो माजी। कृष्णा तुम ठीक हो ना? मेरे लिए जीन्स पैंट और टी शर्ट याद से लेकर आना। हाँ तो हमेशा का। जरूर लेके आऊंगा। विष्णु भैया को फोन देना। कृष्णा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक है ना? हाँ हम भी ठीक है। बड़े भैया? बड़े भैया कैसे है माँ? बड़े भैया रुकना आ गया, ये लो। क्या रे कैसा है तू? कब आ रहा है? मैं दिवाली में आ रहा हूँ भैया। दिवाली प्यारा है, दिवाली प्यारा है। हाँ ये लो माँ से बात। हाँ, दे दे बेटा। दीपावली में आ रहे हो ना? जरूर आना, हम कब से तुम्हारे बिना देख रहे हैं बेटा।
499 सर। ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे हमारी सोच एक है, टेस्ट एक है, वैसे आज अपने ड्रेस का कलर भी एक ही है ना? बिल्कुल, प्यार करने वाले एक दूसरे को बिना बताए अगर संजोग से एक ही कलर का ड्रेस पहन कर आए तो लड़की ने लड़की को गिफ्ट देना चाहिए कहते हैं, मेरी फ्रेंड्स ने बताया। और नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया तो उनका लव फेल हो जाता है। बहुत बड़ा टेंशन दे दिया। क्या दूं? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? गिफ्ट तो है लेकिन तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम जो भी गिफ्ट दोगे उसे तुम्हारी याद समझकर रख लूंगी। लाओ दो। कहा ना तुम्हें पसंद नहीं आएगा? नहीं कृष्णा, बहुत अच्छा गिफ्ट है। इस सिक्के की खासियत क्या तुम्हें पता है? कोई करोड़पति ही क्यों ना हो, अपनी कमाई को इस एक रुपए से ही गिनता है। बड़े बड़े खेलों में भी कौन पहले खेलेगा ये डिसाइड करने के लिए इस एक रुपए को ही टॉस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाप रे, इतना ही या और भी फायदे हैं? क्यों नहीं, और भी बहुत फायदे हैं। आपके बारे में सोचता हूँ तो बुरा लगता है। आपने क्या गलती की थी? बच्चे को अस्पताल ले जाना था इसलिए पैसे लिए? इतना ही नहीं, आपसे टेढ़ी बात करना जरूरी था क्या? काम आप करते हैं, मालिक वो बने फिरते हैं। मेहनत आप करते हैं और सारी कमाई वो ले जाते हैं। अगर आप यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपके हाथ में ये सुई धागा ही रह जाएगा। आप में क्या कमी है? आप काम जानते हैं, खुद का धंधा खोल सकते हैं। जीजा जी, साला हमेशा जीजा जी का भला ही चाहता है। मैं आपकी भलाई के लिए यही कह रहा हूँ। राजकुमार सेंटर में एक बड़ी दुकान खाली है, जो धंधा करना जानता है वो वहाँ बहुत कमा सकता है। आप हाँ करें तो अभी जाकर बात करता हूँ। बात करूँ क्या? करो। सारा सामान इस लिस्ट में लिख दिया, जल्दी से भिजवा देना। ठीक है। अच्छा, वो राजकुमार सेंटर में आपने कोई दुकान खोली है क्या? नहीं तो? नहीं, वो परसों आपके भाई विष्णु 2,30,000 का सामान उधार लेकर गए। वो अमाउंट आपके खाते में लिख दूं क्या? बताइए भाई, आपके खाते में लिखूं या उसका अलग खाता खोलूं? अलग खाता मत खोलिए, मेरे खाते में लिख दीजिए। ठीक है। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? विष्णु आया क्या? नहीं जी, सुबह तो बालू के साथ निकला था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, होलसेलर के पास गया था, उसने बताया विष्णु ने नई दुकान खोल ली है। अपने विष्णु ने? वो ऐसा नहीं कर सकता जी। परसों जो हुआ शायद इस बात से नाराज है वो, लेकिन उसे दुकान खोलने की क्या जरूरत है? उससे मैं पूछ कर देखूं क्या? रहने दो। क्या जी, अभी आप वही सोच रहे हैं क्या? विष्णु ऐसा नहीं कर सकता। विष्णु होगा, दरवाजा खोल दो। इतनी देर कैसे होगी? अरे क्यों नहीं होगी, बाहर दुनिया भर का काम है। ठीक है, खाना लगाती हूँ, खा लीजिए। हमने बाहर खा लिया दीदी। बाहर ही खा लिया तुमने? सब बताना जरूरी है क्या? सुबह जल्दी उठना है। क्यों? जितना कहा उतना करो। ये क्या जीजा जी, आप इस दुकान के ऑनर हैं, कस्टमर नहीं है। आइए बैठिए यहाँ। तुम जरा इधर आओ, ये पैसे लो। जीजा जी। अरे रखो भाई, हमेशा मेरी माँ कहती है मेरे हाथ से जो बोहनी करता है तो उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता है, इसलिए पहला सामान मैंने खरीदा। देखो, हर धंधे में विश्वास नाम की चीज होनी चाहिए। काउंटर पर बैठकर ओनर जैसा महसूस नहीं करना चाहिए। नौकर की तरह काम करोगे तो 4 पैसे कमाओगे। हमने ये सारा सामान भैया के अकाउंट से लिया है, उसे ईमानदारी से लौटाने की अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। भैया ने गुस्से में 2 बातें मुझसे क्या कह दी, तुम्हें लगा कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा? ये इस जन्म में मुमकिन नहीं है। घर में यूं ही बेकार बैठे रहने से अजीब से ख्याल मन में पैदा होते हैं, उस ख्यालात से तुम्हें निकालने के लिए
तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैंने तुझे ये दुकान दिलाई। अपनी जिंदगी को संवारना अब तुम्हारे हाथ में है। चलता हूं। कृष्णा कैसा है रे? ठीक हूँ भैया, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है। बड़े भैया कहाँ हैं? वो अंदर हैं। आप लोग यहीं रहिए, मैं उन्हें सरप्राइज देता हूँ। अरे छोटू, तू अभी आया क्या? हाँ भैया। कैसा है रे? ठीक हूँ। अच्छा माँ कहाँ है? माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ भैया। माँ। अरे कृष्णा आ गया। कृष्णा, कृष्णा। माँ। कृष्णा बेटा आ गया तू बेटा। हाँ माँ। सही वक्त पर आया हो कृष्णा। माँ के हाथों का पकवान खा कर देखो। कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही बढ़िया। मालिक क्या है, इस महीने तो पगार देंगे ना? दूंगा बाबा, पूरा पगार दे दूंगा। हिसाब तो मिलने दे। हिसाब क्या मिलेगा, आज तो आपकी दुकान ही बंद हो जाएगी। आ? बंद हो जाएगी? हाँ। क्यों? आज डेट क्या है? 15 है। क्यों? वो आने वाला है। कौन भाई? मास्क मास्क मास्क। अबे ढक्कन, हम मारवाड़ी हैं, हमारा दिमाग बहुत चलता है। वो आएगा इसलिए मैंने पहले पुलिस में कंप्लेंट की है। बस और थोड़ी देर में बंदूक से गोलियां भरकर ढिक चाँ करता हुआ आ जाएगा। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. अरे बाप रे, ये क्या है? अन्याय, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए आ गया है डीसीपी रामलखन। तुम और डीसीपी? यस, खड़ा होकर भी बैठा हुआ लग रहा है। तुम डीसीपी हो? सुबह तूने क्या किया बोल? नहाया और क्या? सच बोल। नाश्ता किया, कपड़ा पहना और अपनी पत्नी। पुलिस में कंप्लेन किया या नहीं? शायद की होगी। तुझे थाने में ले जाना, अरेस्ट करना, FIR दर्ज करना, सब वेस्ट है। डायरेक्ट एनकाउंटर करना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इस बंदूक को बाजू में रखो। देखो अपने लोगों से कह दो, उनका जो भी दिलाए बिंदास से यहाँ से उठाकर अपने घर ले जाए। 101, 102, 103, जो चाहिए। कैश काउंटर, कैश काउंटर में कैश है। वो अंदर जो सोना पड़ा है वो पता इसका देखो। भाई मुझे गधा कहता है? गन दिखा रहा हूँ तो भी हंस रहा है तू? मैं गंदे का नहीं हंस रहा हूँ, असली डीसीपी अग्नि को देख कर हंस रहा हूँ। असली डीसीपी अग्नि वो कौन है? पलट कर देख। क्या रे, तू शंकर दादा है ना? मैं शंकर दादा नहीं हूँ सर। मम्मा मांस भी गया? मैं मांस नहीं खाता सर। पहले तो बहुत डरा रहे थे। अरे मरवा मत यार। मांस 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 कर रहे थे, इन्हें दिखाओ। सब झूठे सर। तेरा नाम रामलखन डीसीपी है ना? मैं डीसीपी नहीं हूँ सर। वर्दी के साथ रिवॉल्वर भी रखा है? ये डुप्लीकेट है सर, ये देखिए सर। डेढ़ फुट ये तो मुझ पर बंदूक तान रहा है। चल थाने। Hey, देखो सुन बे डेढ़ फुटिये, इस बार मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा किसी दुकान के आसपास फिर नजर आए तो सबको जान से मार दूंगा, तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। चल भाग यहाँ से। माँ। क्या बेटा? विष्णु भैया ने दूसरी दुकान खोली है क्या? किसने कहा तुमसे? बाहर लोगों को बात करते वक्त सुना। बात क्या है माँ? चलो। कहाँ माँ? अंदर चलो, बताती हूँ। अरे अंदर चलो तो। क्या? क्या हुआ कृष्णा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाभी, सोच रहा था कि यहीं पर रह जाऊं। क्या
यहीं रहना चाहते हो क्या? नहीं, जॉब छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन फिर? कोई बिजनेस करूंगा। कोई बिजनेस? हाँ भाभी, धान हम दूसरों के मिल में साफ करते हैं, दूसरों के मिल में जाने की क्या जरूरत है? तो फिर हम अपना ही मिल क्यों ना खोले भाभी? अपना खुद का? लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आएंगे भाभी, एक रास्ता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, शाम भी पढ़ा लिखा है, बैंक हमें लोन दे सकती है, साथ में आप थोड़ी मदद करेंगी तो। ये लो। All the best. सुनिए जी, मैं कब से आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या है? राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस डिपो, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके सब आपके भाई के नाम से ही हैं। लेकिन अब जो राइस मिल वो लोग खोल रहे हैं, वो आपके नाम से खोल सकते थे ना? मुझे मालूम था, जब तुमने गहने निकाल कर दिए तभी मैं समझ गया था कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मतलब है। इतने दिन से किसी चीज का क्या नाम रखना है हमने कभी नहीं सोचा। उसी तरह भैया ने भी कभी आस नहीं की कि उनके नाम से सब कुछ हो। आज हमारा परिवार जिस मुकाम पर खड़ा है उसकी वजह मेरे भैया हैं, उनके नाम की ताकत है। जब बाहर के लोग हमें अलग देखना पसंद नहीं करते तो तुम हमें अलग करने पर क्यों तुली हो? ऐसा सोच सोच कर अपनी तबीयत मत बिगाड़ो, अब आराम से सो जाओ। हाँ, हमेशा अपने भाई के गुण गाते रहिए। तू हट रे, मेरी जान ही खाते सब लोग यहाँ पे। क्या हुआ शांति, ऐसे क्यों बैठी हो? ताऊ जी, राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस डेपो, हर जगह पर आप ही का नाम लिखा है। आप राइस मिल का नाम मेरे पापा के नाम पर क्यों नहीं रखते? बेटा, सारे मशीन फिक्स कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। मिल की शुरुआत संक्रांति के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सत्यमूर्ति जी, मिल के सारे कागजात विष्णु के नाम पर ट्रांसफर करवा दीजिए और मिल का नाम भी विष्णु राइस मिल रख दीजिए। पर बेटे, मैंने जो कहा है वैसा ही कीजिए। ठीक है। कृष्णा, सुनिए जी, जरा इसे देखिए। क्या है? आपके भाई ने किसी को बिना बताए 10 लाख रुपए अपने नाम से जमा किया है। कहाँ थे ये? अलमारी में। जहाँ से ये निकाली है वहीं रख दो। ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में इतना अन्याय हो रहा, आप उन्हें पूछ नहीं सकते हैं क्या? शिवा ने जब मिल के लिए पैसे मांगे तब मैंने बिना सोचे अपने सारे गहने निकाल कर उसे दे दिए, तब भी आपके भाई ने ये नहीं बताया कि उनके पास बैंक में इतने पैसे हैं। बात भी सही है, जिसका इरादा ही पैसा हड़पने का हो वो किसी को क्यों बताएगा? हड़पना मतलब? इसे हड़पना नहीं तो और क्या कहेंगे? देखो, सारा हिसाब किताब सिर्फ भैया देखते हैं, बिना कारण के वो कुछ नहीं करते। उनसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। चुपचाप जहाँ से निकाली है वहीं रख दो। हाँ, हर बार आप सिर्फ मेरा ही मुंह बंद करवाइए, खुद अपना मुंह नहीं खोल सकते। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ये देखिए माँ जी, आपके बड़े बेटे ने बैंक में 10 लाख रुपए अपने नाम से जमा किए हैं। कल्याणी, अपनी बकवास बंद करो। देखो बेटी, राघव जो भी करता है सोच समझ कर करता है, वो कभी गलत नहीं करेगा। ये जहाँ से निकाला है वहीं पर रख दो। देखा जी,
इस घर में लगता है किसी ने सबको पट्टी पढ़ा कर रखी है। मेरा मुंह बंद करने से सच्चाई को झुठला नहीं सकते। भैया सत्यमूर्ति जी, ये डीडी जल्दी से विजयवाड़ा भेजो। ठीक है बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, चलिए। देखा माँ जी, वो यहाँ जरूर उस चीज के लिए आए थे। अगर किसी से पूछते तो कहीं उनका राज खुल ना जाए ये सोचकर चुपचाप चले गए। अगर उनका मन साफ होता तो हमसे पासबुक के बारे में नहीं पूछते क्या? बेकार की बातें मत करो, लाओ इधर। देखो बेटी कल्याणी, गलती से पासबुक की बातें उससे मत करना, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। ये बात हम राघव से करेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही पेश आइए। ठीक है, अब कह रही है तो मैं वैसा ही करता हूँ। ये क्या है भैया? अभी बताऊं या खाना खाने के बाद? और किसे जानना है इस घर में? और किसे जानना है? किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम खाना खाओ बेटा। अकल है कि नहीं? खाना खाते वक्त अपने भैया से ऐसी बातें कर रहे हो? कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, लेकिन इस घर में हर दाने पर इसी का नाम लिखा हुआ है। इसी के नाम से हम सब जी रहे हैं। इसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। हाँ भैया, आपको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ भैया। आप खा लीजिए। अब जब बात यहाँ तक पहुँची गई है तो इनसे कहिए कि हमें हकीकत बता दे। कल्याणी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अंजलि भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है, वो कभी ऐसी बातें करती है? वो भला क्यों करेगी, इसे आपने तो सर पे चढ़ा रखा है। घर में जो भी आता है उन्हें आप कहती है कि ये महालक्ष्मी है और इनकी तारीफ करती रहती है। कभी मेरे बारे में आपने एक भी अच्छी बात कही है? ये तुम क्या कह रही हो बेटी, तुम तो हमारे रिश्तेदार की बेटी हो, अंजलि तो पराई है। मैंने उसके बारे में दो अच्छी बातें क्या कह दी, इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे जैसा झगड़ा करने का बहुत शौक है। मेरा तो नसीब भी खराब है, जो वो पासबुक मैंने देख लिया। इतना कुछ होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे। तुम लोगों ने भी तो राजकुमार सेंटर में नई दुकान खोली है, उसके बारे में हमने कुछ पूछा? क्या कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पे दोष डाल रही हो? यकीन नहीं होता तो पूछो। क्या भाभी, मैंने दुकान खोली क्या? मैं एक नौकर की तरह जी रहा हूँ सोचकर मुझे मालिक के रूप में देखने के लिए कल्याणी के भाई ने मुझे दुकान खोलने के लिए कहा। इस तरह कोई हमारे बीच दरार ना पैदा कर दे, इसीलिए मैंने उसे वो दुकान खोल कर दी। मैं नौकर ही हूँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? अपने भैया के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए। मैंने दुकान ली ये बात भैया जानते थे, लेकिन आज तक कभी एक बार भी मुझसे पूछा? भैया के बारे में मैं जानता हूं और मेरे बारे में भैया जानते हैं, बीच में आप कौन होते हैं बोलने वाले? खाना खाइए भैया, खाइए ना भैया। भैया, इस तरह खाने को टुकड़ा कर मत जाइए भैया। आपके घर चोरी करने आए मुझ जैसे आदमी को खाना खिलाने वाले महान इंसान है आप। अपने लोगों की बात का बुरा नहीं मानते भैया। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, भगवान के लिए खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए। राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस मिल, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके जो कुछ भी था सब कुछ लेकर चले गए। हाँ ये
क्या बोली तू? तुझे तो मैं विष्णु, ये क्या कर रहे हो? इस घर में औरतों पर हाथ उठाने का संस्कार तूने कहाँ से सीखा? हाँ राघव बेटा, ये सब क्या है? तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? वो पैसे तुमने अपने नाम से बैंक में क्यों जमा किए? बताओ, चुप क्यों हो? बताओ बताओ। कहिए पिताजी, आप भी कुछ बोलिए ना। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, चारों बच्चों के पिता हैं आप, आप क्यों नहीं पूछते? आप चुप क्यों? आप भी सवाल पूछिए। सब लोग पूछे मुझसे, पर सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सच्चाई सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप लोग। भैया शांति, 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 क्या हुआ मेरे बच्चे? शांति, शांति, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे? सबने राघव भैया को गलत समझकर बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने बैंक में जो पैसा जमा किया था वो शांति बेटी के ऑपरेशन के लिए किया था। अब डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ देर के बाद आप बच्चे से मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे माफ कर दीजिए। ए कल्याणी, ये क्या कर रही हो? उठो। सच्चाई जाने बिना मैंने आपको कितना दुख दिया। मैंने आप पे शक किया और आपने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी। भैया रोते नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। आओ शांति के पास चलते, चल। इसमें मेरा नाम क्यों डाला? बेटा वो छोटी बहू ने। जिंदगानी है सुहानी, तू मुस्कुरा।
खुशियों का दिन आ गया है झूठ तू गा, जिंदगानी है सुहानी तू मुस्कुरा। राह देखो सारी सज गई, सारी दिशा रंगों में रंग गई, हर कोई है मत वाला, सब पे छा गई मस्ती। चलो मिलके सारे साथ नाचे गाए आओ ना, खुशियों का दिन ये आ गया, जीवन में रंग छा गया, खुशियों का दिन ये आ गया, जीवन में रंग छा गया। कृष्णा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जब से दिल्ली से आए हो, मैं देख रही हूँ तुम अजीब से पेश आ रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कुछ तो बोलो कृष्णा। बचपन से ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। पिताजी के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। स्कूल में जब भी मुझसे कोई गलती होती थी, टीचर मुझसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वो सब मेरे पिताजी से डरते थे। मेरी जिंदगी में खुशियां तब आई जब तुम मेरी जिंदगी में आए। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं, तो यही सही। ए, बड़े मालिक ने तुझे बुलाया है, चल। ए, कौन है बड़े मालिक? कोई भगवान है क्या? मुझसे बात करनी है तो उन्हें खुद आने के लिए कहो। अगर दोबारा मेरे आसपास भी नजर आया तो काट के रख दूंगा तुझे। चल निकल, बड़े मालिक की बात कर।
जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी से प्यार करते हो, मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म करने की वार्निंग दी थी। जब तुमने प्यार से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत दी, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे पसंद आया। अब जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरे आदमी को मारकर उसे वार्निंग देकर भेज दिया। तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई। कल तुम अपने भाई को मेरे घर भेजो, बात करनी है। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार, आइए राघवेंद्र जी, बैठिए। कोई भी मेहनत करके ऊपर आता है तो किसकी मेहनत से ऊपर आया है ये पूछने की मेरी आदत है, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं, ये मैं जानता हूं। मैंने आपको अपने घर पर बुलाया है अपनी बेटी कावेरी के बारे में बताने के लिए। मेरी इकलौती बेटी है वो, और मैं एक अच्छे घराने का लड़का ढूंढ रहा हूं अपना दामाद बनाने के लिए। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अपने स्टेटस के मुताबिक समर रचाकर लड़कों को लाइन में खड़ा करके तुम्हें जो लड़का अच्छा लगे उसे पसंद कर लो, ऐसा मैं अपनी बेटी से कह सकता हूं। लेकिन ये बात मैं अपनी बेटी से कहूं, उससे पहले ही मुझे पता चल गया तुम्हारा भाई मेरी बेटी से प्यार करता है। मैं भी अपनी जायदाद संभालने के लिए एक अच्छे दामाद की तलाश में था, और तब आपके भाई से मुलाकात हुई, मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। आपकी क्या राय है? मेरा भाई आपका दामाद बने, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, हमारे लिए भी खुशी की बात है। मुझे अपने लिए दामाद नहीं चाहिए, अपने घर के लिए एक दामाद चाहिए। धन दौलत के बीच, नौकर चाकर के बीच, ऐशो आराम से पली बड़ी मेरी बेटी जब शादी हो जाने के बाद आपके घर में जाएगी, तब चावल की बोरियों के बीच, तेल के डब्बों के बीच तकलीफ से रही, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपके भाई को अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूँ, मतलब अपना घर जमाई। लेकिन एक बात तो है, मेरे घर के नौकर जिस तरह मेरा ख्याल रखते हैं उसी तरह आपके भाई का भी ख्याल रखेंगे, एक राजा की तरह। तुम हमारे साथ चलो, वह राजा की तरह राज करोगे। आप किस सोच में डूब गए? आज इस घर का मालिक मैं हूं और कल आपका भाई होगा। कल कृष्णाष्टमी है, शुभ दिन है, मूर्ति कलवा लेते हैं। क्यों जी, क्या हुआ? वो मान गए ना? क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, वो मान गए। मैंने कहा था ना, कृष्णा बहुत खुश नसीब है, उसे नापसंद कोई कर सकता है क्या? अच्छा, शादी कब करवाने का सोचा है? एक हफ्ते के अंदर ही, लेकिन शादी के बाद वो अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे, हमारे कृष्णा को वहाँ रहना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूँ माँ, इकलौती बेटी है और दुनिया भर की जायदाद, उस जायदाद का ख्याल रखने के लिए उन्हें घर जमाई की जरूरत है। बहुत ही जायदाद है मतलब? भाइयों को अलग कर देंगे क्या? तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे क्या? जाने दीजिए बाबूजी, उस लड़की के नसीब में नहीं है इस घर की बहू बने। हाँ जी, हम कृष्णा से कह देंगे कि वो उस लड़की को भूल जाए। उसे क्या कहेंगे? किसी को भुलाना इतना आसान है क्या? जब उसे एक अच्छी जिंदगी मिल रही है तो हम उसे खराब क्यों करें? वैसे भी वो किसी पराए गाँव में नहीं जा रहा है, इसी गाँव में रहेगा वो और खुश भी रहेगा। माना कि हमें एक ही माँ ने जन्म दिया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर साथ में रहें। ये क्या भैया, अगर चाहत सबसे बड़ी होती तो आप हमें छोड़कर उसके साथ चले नहीं जाते? मुझे इन लोगों से क्या लेना देना, अपनी अलग जिंदगी बसाकर हमें बेसहारा छोड़कर चले जाते। क्योंकि उस वक्त हमारे घर के हालात कुछ और थे, अब वैसी कोई परेशानी नहीं है, तो फिर उसके प्यार का दुश्मन हम क्यों बने? हम उसे भूल जाने के लिए कहेंगे तो लड़की को भुला देगा, लेकिन उसके बाद उसे याद करके जिंदगी भर तड़पता रहेगा, तब उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी। हमें उसकी खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, उसके बीच में कोई नहीं आएगा। राघव बेटा, कल कृष्णाष्टमी है, लोग छोटे छोटे पैरों के निशान बनाकर कृष्ण को घर में बुलाते हैं, और तुम हमारे घर के कृष्ण को घर से बाहर भेज रहे हो बेटा। मजबूरी है माँ, कृष्णा की खुशी के लिए ये शादी करनी पड़ेगी, और ध्यान रहे तब तक उसे ये बात कोई नहीं बताएगा।
नमस्ते जी, ये माधव राजी है, रिटायर्ड जज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते, आइए दामाद जी, ये मिस्टर भरत है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नमस्ते। थैंक्स। आइए आइए सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ आइए पंडित जी। चौधरी दामाद जी, ये मिस्टर राकेश है, आप लोगों के बहुत बड़े व्यापारी है, आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वो क्या है कि हमारे घर की सभी शादियाँ राम मंदिर में ही हुई। छोटू की शादी भी अगर वहीं होती तो। मंदिर में? ये क्या कह रहे हो भाई, चौधरी जी को तुम जानते नहीं क्या? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि अमेरिका में भी उनके भाई बंधु हैं। इतनी धूमधाम से मंगनी हो रही है, तुम मंदिर में बुला रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए वो मंदिर बहुत शुभ है। तो फिर सारे बारातियों को मंदिर में ले जाकर उनसे मंदिर की प्रदक्षिणा कराओ क्या? कैसी बात करते हो भाई। देखो चौधरी जी के लिए शुभ अशुभ या मंदिर मंडप जरूरी नहीं है, उन्हें उनकी इज्जत प्यारी है। ये तो उनकी बेटी तुम्हारे भाई को पसंद करती है इसलिए वो मान गए। इसका मतलब तुम्हारी मनमानी चलेगी ये मत समझना। यहाँ आ ही गए हो तो शांति से रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। शांत हो जा विष्णु, शांत। देखिए आप लोग जाइए, मुझे शांत हो। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। तो ये मेरे दामाद जी हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट रुको, देखो मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम बार बार यहाँ आ रही हो। क्यों, क्या हुआ? शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें बच्चा नहीं हुआ? ऐसी औरतों को ऐसी रस्मों में नहीं आना चाहिए। ये सब बताने की बात नहीं, खुद को समझना चाहिए। अपमान नहीं सहा जाता। आप कृष्णा को खुश देखना चाहते थे ना, देख लिया ना, अब चलो भैया। पर विष्णु। हाँ भैया, इंसानों की कदर ना जानने वाले इन जानवरों के सामने आपको गिरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं विष्णु। चलो भैया, इस वक्त तो... नहीं, आप चलिए भाभी, चलो। मन छोटा मत करो बेटी, आओ चलो। चलिए जी आओ। चलिए चलिए चाचा। आइए। ए शांति, तू कब आई बेटा? आकर तो बहुत देर हो गई। चाचा आपकी शादी होने के बाद आप हमारे घर नहीं आएंगे? किसने कहा? घर में मैंने सबको बातें करते सुना है। सब लोग कहाँ हैं? वो तो चले गए। सुनिए जरा, दामाद जी को बुलाइए। दामाद जी आइए, टाइम हो गया। हाथ हटाओ। घर क्या होता है पता है आपको? परिवार क्या होता है पता है आपको? मेरे भैया क्या है पता है आपको? मुझे मेरे परिवार से दूर करना चाहते हैं? हाँ
आप कावेरी के पिता, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है पैसों से आप मुझे जैसा नचाना चाहेंगे नचाएंगे? ये इस जन्म में नहीं होगा। कृष्णा, तू यहाँ पर? छोड़ो मुझे, क्या ये क्या समझा है मुझे? मुझे अलग करके घर से निकालना चाहते हो तुम लोग? तुम्हारी खुशी के लिए हमने ऐसा किया बेटा। कैसी खुशी? आप लोगों से अलग रहकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? खुशी की बात करते हैं, मुझे अनाथ की तरह वहां अकेला छोड़ा है। आपको क्या लगता है आपने बहुत बड़ा त्याग किया है? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम उस लड़की को चाहते हो। हाँ, चाहता हूँ तो आपको छोड़ दूँ क्या? आपके रगों में जो खून दौड़ा है वही मुझ में भी है। देखो तुम समझ नहीं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं चला जाऊंगा? अच्छा कृष्णा शांत हो जाओ, अब तुम आ गए हो ना। आप मुझे छोड़ो भैया। सुनो कृष्णा, आप लोग मुझसे बात मत करो। लेकिन कृष्णा। ए चुप कर कृष्णा। नहीं भाभी, मैंने कहा ना मुझसे बात मत कीजिए, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। कृष्णा, मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना कृष्णा, तुम एक बार भी मुझसे पूछे बिना यहाँ पर चले आए। अगर तुम मुझसे कहते कि मेरे साथ चलो तो क्या मैं नहीं आती? ये क्या हुआ बेटी, इतनी रात को अकेली यहाँ चली आई? आप डरिए नहीं पिताजी, कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, पराए घर की लड़की इस तरह अकेले हमारे घर, ये हम सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कावेरी कोई पराई नहीं है, आपकी बहू है। जिस वक्त इसने अपने पिता का घर छोड़कर इस घर में कदम रखा, तब से वो इस घर की बहू बन गई। ए कृष्णा, इसे अंदर लेकर जा, जो होगा देखा जाएगा। रुक जाओ, सुनो, इस घर की बहुओं ने बिना बताए इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखा है। ए विष्णु, अपने माँ बाप की तो हम चार औलादे हैं, लेकिन इसके पिता की ये इकलौती औलाद है। हम भाइयों में से एक भी बिछड़ता है तो हमें कितना दुख होता है, ऐसे में ये तो उनकी इकलौती बेटी है, इसके बिछड़ने पर उनके दिल पर क्या बीतेगी? कावेरी, मेरा भाई तुम्हें बिना बताए यहाँ पर चला आया है, ये इसकी गलती है। जान से ज्यादा प्यार करने वाले अपने पिता को छोड़कर तुम यहाँ चली आई हो, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पिता बहुत बड़े आदमी हैं, तुम उन्हें छोड़कर चली आई हो, अगर ये बात दुनिया वालों को पता चलेगी तो तुम्हारे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। ये बात किसी को पता चलने से पहले तुम अपने घर वापस चली जाओ, इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब लोगों की भी भलाई है। मैं आज तक हमेशा गलत फैसले लेते आया हूं,
अब भी वही करने जा रहा था। दिया अगर बाहर रखा हुआ हो तो उसके बुझने का डर रहता है, मंदिर में होगा तो फिर किस बात का डर। मेरी बेटी को भड़काए बिना उसे समझा बुझा कर तुम लोगों ने उसे वापस घर भेजना चाहा, और मैं तुम्हें गलत समझकर तुम लोगों को मारने के लिए इतने सारे लोगों को यहां पर लेकर आ गया। मेरे घर की इज्जत बचाने वाले तुम कहां, और तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा छीनने वाला मैं कहां। तुम एक सच्चे इंसान हो। मेरी बेटी, अब आपके घर की अमानत है, चलता हूं। चौधरी साहब, इस दुनिया में कोई किसी को अलग नहीं करता, और ना कोई किसी को मिलाता है। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। कावेरी आपकी बेटी है, अगर आप रीति रिवाज के हिसाब से विदा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है,